क्या समाजवादी पार्टी की हार के लिए मायावती जिम्मेदार है? हर चुनाव में मायावती बीजेपी की तरफ से बैटिंग करती है, बसपा दलित और मुस्लिम वोट को बांटने के लिए चुनाव लड़ती है। ये तमाम सवाल समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट के बाद खड़े हो गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बसपा पर अपना वोट बीजेपी के लिए साइलेंटली ट्रांसफर करवाने, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने और हर चुनाव में सपा को हराने का ठेका लेने जैसी बात कही गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती पर इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के तरफ से लगाए गए हो। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा ने अपना वोट बीजेपी के तरफ ट्रांसफर कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दलित वोट को मायावती का कोर वोट माना जाता था, वो इस बार पूरी तरह से बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घट गया है, और जो 10% वोट कम हुआ वो बीजेपी के तरफ चला गया। इसके साथ ही कई ऐसे मौके आए जब मायावती पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ी रही। बात राष्ट्रपति चुनाव की या राज्यसभा चुनाव की, मायावती ने बीजेपी का साथ दिया। सपा से पहले यही आरोप कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी लगाए थे, जो कभी मायावती के सबसे करीबी सिपाही हुआ करता था। महसूस ये होता है, ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया, उप राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया, CNRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया, 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है, मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट। अब सवाल ये है कि जो आरोप सपा ने बसपा पर लगाए हैं, क्या उसका असर आने वाले निकाय चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त यूपी में बसपा 12% वोट पर आ गई है, उसका दलित वोट उससे दूर हो रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जो आरोप सपा ने लगाया है, उसका जवाब मायावती किस अंदाज में देंगी।